हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने SBI के किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया है और आप बिल्कुल नए हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, म्यूचुअल फंड में आखिर नुकसान किस तरीके से होता है और प्रॉफिट किस तरीके से होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो कि मुझे यहाँ पर 21,000 रुपये का एक ही दिन में यहाँ पर लॉस हुआ था। अब आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि 21 से ही अधिक भी लॉस हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल लॉस हो सकता है। और आपका यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें लॉस किस तरीके से होता है और प्रॉफिट किस तरीके से होता है, तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो इस मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर बराबर में शो हो जाएगी। SBI योनो एप्लीकेशन ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये दिखाऊंगा कि आखिर मैंने इसमें अमाउंट कितना ऐड किया था और इसी के साथ में अब तक मुझे यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ है और आखिर प्रॉफिट किस तरीके से हुआ है, यानी कि एक साथ में यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ है और आखिर लॉस कितना, यानी कि लॉस में कितना गया है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर इन्वेस्ट नाउ पर सिंपली क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहां पर आ जाएगा माई इन्वेस्ट का ऑप्शन और आपको यहां पर जितना भी आपने यहां पर म्यूचुअल फंड में जो भी अमाउंट लगा रखा होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने म्यूचुअल फंड में अमाउंट लगा दिया है और आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के बाद आपका यहाँ पर जो अमाउंट है वो शो होने लगेगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तब, ठीक है, और हो गया है तो आपको यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा, जैसे कि 4,66,170 रुपये और 65 पैसे जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट कितना लगाया था, जैसे कि मैंने अमाउंट लगाया था 3,50,000 रुपये और यहाँ पर उन्होंने 1% के हिसाब से यहाँ पर जो कि फंड मैनेजर है वो अपनी यहाँ पर फीस काट लेती लगभग यहाँ पर 3,500 रुपये, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर 3,500 रुपये कम 3,50,000 रुपये मेरे यहाँ पर वॉलेट में शो हो रहे थे। आज आप देखेंगे आज की डेट में तो यहाँ पर है 4,66,170 रुपये 65 पैसे। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस किस तरीके से हुआ और कितना समय हुआ है वो भी मैं चलिए आपको बता दूं। 1 सितंबर को मैंने इसमें पैसे को ऐड किया था, अभी 1 सितंबर आया नहीं है, यहाँ पर 3 मंथ अभी बकाया है, ठीक है। तो यहाँ पर लमसम मान सकते हैं कि 9 मंथ में यहाँ पर 1,00,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, ठीक है, 3,50,000 रुपये पे। इसी के साथ में अब तो ये हो गई प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट किस तरीके से होता है, लॉस किस तरीके से होता है, तो वो आप चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। वो कहाँ पर देखने को मिलेगी वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्रोम में मैंने जो म्यूचुअल फंड में मैंने यहाँ पर पैसा लगाया है वो म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली ओपन करता हूँ इस वेबसाइट को। अब जैसे ही मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करूँगा तो इसकी जो सारी डिटेल है, जो भी जन्म कुंडली है, वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड अभी वेट कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इंटरनेट है वो थोड़ा सा स्लो है। तो चलिए मैं इस पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ और ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सबसे पहले मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में कौन सी बातें आनी चाहिए, जैसे कि NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 358.22, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर NAV ली थी, यानी कि जब भी ये SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ये ग्रोथ, जब भी ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर कुछ पैसे ऐड किए गए थे और वो पैसों से 10 रुपये के हिसाब से NAV बना दी गई थी, ठीक है। और वो NAV एकदम स्थायी रहती हैं, ठीक है, यानी कि वो NAV घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद में अब वो NAV वहाँ पर कोई भी इसमें पैसा ऐड करेगा तो वो NAV हाई होती जाएंगी, या फिर प्रॉफिट होगा तब भी वो NAV हाई होती जाएंगी, और जैसे इसमें लॉस होगा तो वो NAV गिरती जाएंगी। तो जो भी खेल है वो यहाँ पर NAV का है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मैंने यहाँ पर पैसे को इसमें निवेश किया था तो वो थी उस समय 282 रुपये की एक NAV, ठीक है। आज के दौर की हम बात कर लेते हैं, 9 मंथ में यहाँ पर जो बढ़ गई है वो बढ़ गई है यहाँ पर 358.22, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका गुणा भाग करके यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी NAV बढ़ गई है, ठीक है। इसी के साथ में अब ये इन्होंने कहा है कि जो रिटर्न है वो हम दे रहे हैं एक साल में लगभग यहाँ पर 48,000 रुपये, ठीक है।
तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जैसे कि हम एक टाइम यानी कि वन टाइम में अगर हम यहाँ पर 1,00,000 रुपये यहाँ पर ऐड करते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 23/5/2023, ठीक है, और इसी के साथ में 23/5/2024 जो कि आज की डेट है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रॉफिट होगा वो होगा 48,691 रुपये, ठीक है। इसी के साथ में जो आपका 1,00,000 रुपये है और जो आपका प्रॉफिट है वो एक साल में यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका हो जाएगा 1.5 लाख समथिंग, यानी कि 1,48,691.42 रुपये आपके हो जाएंगे एक साल में, ठीक है। इसी के साथ में अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 1,00,000 रुपये लगाया तो आपको लमसम यहाँ पर 1.5 लाख रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 1.5 लाख में आपको यहाँ पर मिलेगा कितना, ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ग्राफ की मदद से कि आखिर कितना तेज यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है या फिर कितना यहाँ पर नीचे की तरफ उठ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको जल्दी में हाल ही में बता दूँ, जैसे कि ये ग्राफ यहाँ पर मेरा आया था यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ मेरा यहाँ पर आया था तो मुझे यहाँ पर 21,000 रुपये का एकदम लॉस हुआ था, ठीक है। पर मुझे पता था कि हाँ उसके बाद में जब ग्राफ गिरेगा तभी ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल टेंशन में नहीं था, ठीक है, क्योंकि जब भी मैंने इसमें पैसा शुरू में निवेश किया था तब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में था कि यार बताओ इसमें बढ़ने की जगह पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3500 रुपये उन्होंने काट लिए थे जब भी मैंने इसमें म्यूचुअल फंड में पैसे ऐड किए थे फंड मैनेजर ने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी फीस काट ली थी तो यहाँ पर जो पैसे थे वो मेरे कम हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में फिर और पैसे कम हुए, तो ये पैसे हैं वो यहाँ पर कम अधिक होते रहते हैं, ठीक है, यानी कि गिरते तो एकदम तेजी से हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी गिरे कितने हैं, जैसे कि पहली बार तो थोड़ा कम गिरा, फिर उसके बाद में और अधिक थी, फिर उसके बाद में और अधिक, ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर के खिसका 1-2 NAV, ठीक है, उसके बाद में फिर नीचे गिर गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 बार में नीचे गिरा है, ठीक है। अब उठा कितनी बार में है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार में ये उठा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो गिरने के चांसेस होते हैं वो एकदम तेजी से गिरते हैं, ठीक है, पर इसमें आपका लॉस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर FD कराते हैं तो FD से ज़्यादा रिटर्न है वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड देता है, ठीक है। बस शर्त क्या है कि आपके पास समय होना चाहिए जो भी आप पैसा यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समय क्यों होना चाहिए वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। शायद ही अगर आप बैंक में जाएंगे या फिर आपको कोई ना बताए, ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसकी जो पॉलिसी है टैक्स जो कि यहाँ पर रिटर्न है, ठीक है, ये कह रहे हैं अगर आप एक साल के लिए यहाँ पर रखते हैं तो वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आ जाती है, ठीक है। अगर आप एक साल के लिए आप इसमें पैसा निवेश करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाती है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में आने के बाद आपको जब भी आप इसमें से पैसा निकालेंगे तो आपको 10% यहाँ पर देना होगा, ठीक है। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसमें 1,00,000 रुपये जमा करते हैं तब आपको यहाँ पर कितना देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपको यानी कि 1,00,000 यानी एक तो ऐड आ जाता है यहाँ पर 1,00,000 रुपये की आपको इसमें डायरेक्टली छूट भी की जाएगी, ठीक है, अगर एक साल तक आप इसमें रखते हैं पैसे को तब, यानी कि अगर आपने इसमें 1.5 लाख रुपये आपका हो गया, आपने 1,00,000 रुपये इसमें जमा किया और एक साल बाद आप निकालते हैं, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपये हो गया, अब उसमें से आपको 1,00,000 रुपये की छूट दी जाएगी, अब वो आपको 1.5 लाख में से 1,00,000 रुपये निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो टैक्स पे करना होगा वो होगा 10% के हिसाब से, ठीक है। तो 10% के हिसाब से अगर आपका 50,000 है तो 5,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना होगा उसमें से, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है जो भी आप पैसा उसमें टैक्स के रूप में पे करते हैं तो वो जैसे कि रोड है जो कि पुलिस में कर्मचारी वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी जो तनख्वाह है वो यहीं से ही जाती है, ठीक है। और आप एक साल से पैसे पहले निकालना चाहते तो आपके पैसे तो निकल आएंगे पर आपको यहाँ पर 15% की टैक्स पे करना होगा, इसमें ये भी लिखा है सीधे साफ साफ, ठीक है। अब 15% कैसा होगा, जैसे कि 15% 1,00,000 पे, ठीक है, आपको 1,00,000 रुपये पे वो देना होगा, इसमें आपको छूट वूट किसी भी प्रकार की नहीं मिलेगी, 15% वो देना होगा और आपके 7,000 50,000 पे वो हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाते हैं 21
22,000 रुपये, 22,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना होंगे, ठीक है। तो आपको 1.5 लाख में से आप समझ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे, मिलेंगे 1,28,000, ठीक है, अगर आप पहले पैसे निकालते हैं तब। तो दोस्तों अगर आप इसमें, तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट है अगर आप एक साल से अधिक या फिर एक साल तक आप इसमें पैसे को निवेश कर रहे हैं तब, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। और आप जब भी उसमें पैसे निकालेंगे तो जो भी इसकी स्कीम है, ठीक है, उसके नियम के हिसाब से आप यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं और आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं।